एक जंगल में एक गोरिल्ला रहता था। वो गोरिल्ला बहुत ताकतवर और खतरनाक था, लेकिन ज्यादा होशियार नहीं था। एक बार गोरिल्ला बहुत भूखा था, इसलिए वो जंगल में शिकार करने निकलता है। तो उसे वहां से बहुत सारे जानवर भोजन करते हुए दिखाई देते हैं। अरे ये क्या, ये सभी भोजन कर रहे हैं और मैं यहाँ भूखा खड़ा हूँ। तभी सारे जानवर गोरिल्ला से डरकर भाग जाते हैं, लेकिन एक खरगोश वहीं रह जाता है। वो भोजन करने में बहुत मगन था। तभी गोरिल्ला भागकर उसे पकड़ लेता है। अरे गोरिल्ला भाई, तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो? क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। गोरिल्ला भाई, अगर तुम्हें इतनी भूख लगी है तो वो देखो, सामने वो भेड़ खड़ी है, वो बड़ी भी है, मुझे खाकर तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। जाओ और उसको खाओ। ये खरगोश सही कहता है, मैं इसमें अपना समय क्यों बर्बाद करूं, जब मेरे सामने एक बड़ी भेड़ है। फिर गोरिल्ला खरगोश को छोड़ देता है और खरगोश वहां से भाग जाता है। तब गोरिल्ला आराम आराम से पीछे से जाकर उस भेड़ को पकड़ लेता है। हा 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 हा, अब मेरा काम हो गया, अब मैं इससे अपना पेट भर सकता हूँ। नहीं नहीं गोरिल्ला भाई, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, क्योंकि मुझ में तो हड्डियाँ ही हड्डियाँ हैं, मुझे खाकर तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। वो देखो, घास के पीछे कितना हष्टपुष्ट बकरी खड़ी हुई है। अरे हाँ, वो तो सच में ही बड़ी हष्टपुष्ट बकरी है, उसको देखकर तो मेरे मुंह में पानी सा आ गया, चलो उसको पकड़ता हूँ। तब गोरिल्ला भेड़ को भी छोड़ देता है और उस बकरी के पीछे जाता है। गोरिल्ला को अपनी ओर आता देख बकरी गोरिल्ला को देख लेती है और वो वहां से तेजी से भागने लगती है, और गोरिल्ला भी उसका पीछा करता है। गोरिल्ला भूखा होने की वजह से ज्यादा तेज नहीं भाग पाता और बकरी तेजी से भाग कर वहां से निकल जाती है, और बुद्धू गोरिल्ला लालच में आकर भूखा का भूखा ही रह जाता है। तो समय पर जो मिले उसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए।